हाय एवरीवन, वेलकम टू एनकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या, कितने प्रकार की होती है? एरोमेटिसिटी होती है तीन प्रकार की। कौन कौन सी? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होती है? जिसमें क्या होता है, फोर हक्कल रूल का पालन होना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल ये होता है कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन और क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2 रेजोनेंस। और क्या होना चाहिए, और क्या उसमें होना चाहिए, रेजोनेंस। और एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 4n π इलेक्ट्रॉन और क्या होना चाहिए, रेजोनेंस और प्लेनर होना चाहिए। और क्या होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक की एक शर्त है, एक शर्त है कि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक 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 क्या होता है? एरोमेटिक में तीन शर्त होती है। सबसे पहले हक्कल रूल 4n+2π इलेक्ट्रॉन और क्या होना चाहिए, प्लेनर। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन और क्या होना चाहिए, रेजोनेंस। रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस यानी कंजुगेट पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होना चाहिए। और क्या होगा, एंटी एरोमेटिक क्या होगा? एंटी एरोमेटिक इसमें क्या होता है, 4n π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन 4n π इलेक्ट्रॉन और क्या होना चाहिए, प्लेनर। और क्या होना चाहिए, रेजोनेंस। और क्या होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नॉन एरोमेटिक इसमें क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले फर्स्ट संरचना को देखते हैं। फर्स्ट संरचना में क्या है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या है कि जिसमें भी एक 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 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2π इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2π। और क्या होता है, ये डबल पॉजिटिव आयन डबल पाई 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 बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो क्या होगा, 2π इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, और क्या है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। प्रत्येक आरोप पर क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और क्या, रेजोनेंस पॉजिटिव आयन है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या होगा, 4n 2π इलेक्ट्रॉन। किसमें, इसमें इसमें इनका मान 0 0 0, इसमें 4n 4n+2π इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें n=0 रखें तो क्या होगा, 2π इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये एरोमेटिक की तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो क्या होगा, एरोमेटिक नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4π इलेक्ट्रॉन। 4π इलेक्ट्रॉन में तो क्या होगा, 4π इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या होगा, 4π इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। प्रत्येक आरोप में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। प्रत्येक आरोप क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और क्या है, किसकी, और क्या है रेजोनेंस डबल बॉन्ड तो क्या होगा रेजोनेंस हो रहा है तो क्या होगा और इसमें अगर n का मान क्या है कि 1 रखे तो क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर n का मान इसमें 1 रखे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। और क्या होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई 2 4 2
एट पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, एट पाई इसमें क्या है, एट पाई इलेक्ट्रॉन, एट पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, एट पाई इलेक्ट्रॉन तो एट पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, अगर इसमें एन का मान क्या है, और क्या होगा प्रत्येक कार्बन परमाणु पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या रेजोनेंस भी कर रहा है तो क्या होगा, और क्या रेजोनेंस भी कर रहा है तो क्या होगा, अगर एन का मान 1 इसमें भी क्या है 2 रखे तो क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर एन का मान 3 रखे तो क्या होगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा इसमें क्या होगा, एन का मान 2 रखे तो क्या होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और इसमें क्या होगा, इसमें 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और क्या sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन और पाई और क्या है रेजोनेंस, रेजोनेंस हो रहा है तो क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा है तो क्या होगा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें एरोमेटिक तो क्या होगा, एरोमेटिक, नेक्स्ट क्या होगा इसमें क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और क्या है पाई और रेजोनेंस, रेजोनेंस पाई, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई पॉजिटिव है, फिर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव है, क्या रेजोनेंस, रेजोनेंस और क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें थे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में क्या होगा तो किसकी कंडीशन तो क्या होगा एंटी एरोमेटिक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन फॉलो होता है एंटी एरोमेटिक, तो ये होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और क्या होगा ये क्या होगा इस कार्बन परमाणु पर क्या है sp3 इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन पर क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी कंडीशन को लगता है नॉन एरोमेटिक, तो क्या होगा नॉन एरोमेटिक, नेक्स्ट क्या होगा इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो किसमें होगा, और क्या sp3 प्रत्येक प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या रेजोनेंस, रेजोनेंस कर रहा है तो किसकी कंडीशन फॉलो करता है एरोमेटिक, तो होगा 6 तो क्या होगा एरोमेटिक, नेक्स्ट क्या होगा इसमें क्या है इसमें प्रत्येक कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंटी नॉन एरोमेटिक कंडीशन फॉलो करता है तो क्या होगा प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा नॉन एरोमेटिक, और क्या होगा इसमें क्या है इस कार्बन परमाणु पर और इस कार्बन परमाणु पर क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या होगा नॉन एरोमेटिक, और क्या इस कार्बन परमाणु पर क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और क्या इस कार्बन परमाणु पर क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या होगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इसमें क्या है ये गए और ये क्या है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है 8 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या है नॉन एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो करता है किस प्रकार से होगा ये इस पर नॉन ये क्या है नॉन एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो करता है इसका ये एक रियल केस तो क्या होगा इसमें क्या होगा